हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल। आप सबका स्वागत करती हूँ। सो आज का जो हमारा वीडियो हाल है, जैसे कि आपको देख पता ही चल गया होगा कि जितनी भी मेरी वर्क बेल्ट है, कहाँ से मैंने परचेस की है, उनके बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट बेल्ट है वो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पर्ल वाली बेल्ट है, आप देख रहे हो। इसमें पूरे में इस तरह से इलास्टिक है, तो आप इसे टाइट लूज़ कर सकते हो। क्वालिटी की बात करूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। वैसे मैंने अभी तक इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया है, जस्ट अभी इसे मैंने पॉलीथीन से रिमूव किया था। इस तरह से वो आगे लगा हुआ है, जिसमें इस तरह से आपको सीक्वेंस दिख रहे हैं अलग अलग। और कैसे आप इसको वो कर सकते हो, वो ये इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो आप कहीं भी चाहो, आपको जस्ट उसमें इंसर्ट करना है इस तरह से, और ये बेल्ट हो जाएगी। कहीं पे भी आपको करना है, आपको टाइट लूज आप इस तरह से कर सकते हैं, टाइट करना है, लूज करना है, जैसे भी है आप इस बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये बेल्ट है जो मैंने परचेज़ की थी। आई थिंक मैंने रोमवे से या शीन से परचेज़ की थी। सो अभी तो वो बंद हो गया, तो कोई चांस नहीं है। अराउंड 300 के अराउंड मैंने इस बेल्ट को परचेज़ किया था, तो बहुत ही अच्छी डील थी ये। सेकेंड जिस बेल्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है ये ब्यूटीफुल सी बेल्ट। आप देख रहे हो पूरे पे वर्क है, पूरे पे वर्क सीक्वेंस का, मोतियों का, पूरे पे बहुत ही सफाई से वर्क किया गया है। यहाँ पे पूरा इलास्टिक दी गई है। अच्छा, इस बेल्ट में आप चाहें तो आई थिंक साइज वाइज ले सकते हैं, वरना इसमें ज़्यादा साइज़ का स्पेस नहीं है। उसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी कि साइज़ के अकॉर्डिंग ली थी या फ्री साइज़ कुछ था। बट अगर फ्री साइज़ की बात करूँ तो 32 से ज़्यादा ये आने नहीं वाला है, तो 32 तक ये आ जाएगा इलास्टिक। और इस तरह से यहाँ पे दो या चार दिए गए हैं, और यहाँ पे इस तरह से दो आप इसको बंद इस तरह से बंद कर सकते हैं। और ये बेल्ट, अगर मैं इस ब्रांड की बात करूँ, मैंने ये अजियो से परचेज़ की थी बेल्ट, और दिवाह करके एक ब्रांड है, वहाँ से मैंने ये परचेज़ की थी ये बेल्ट। आप इसे पास से देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सी बेल्ट है। आप जाके उसमें बहुत सारे डिज़ाइन और भी आप परचेज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बेल्ट है, क्योंकि सब मिक्स होकर आ रही हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन सी किस, जिनके मेरे पास लिंक है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेल्ट की। ये बेल्ट बहुत ही अगेन खूबसूरत सी बेल्ट है। आप देख रहे हैं इस तरह से लीफ बनी हुई है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दूसरी साइड भी लीफ बनी हुई है, और आप इस तरह से इसको पहन सकते हैं। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लेदर वाला दिया गया, ऑफकोर्स प्योर लेदर तो नहीं है, बट लेदर अच्छी क्वालिटी का है, और पूरा ये रबर दिया गया है। ये फ्री साइज़ था, इसमें कोई साइज़ नहीं था, बट ये भी अगेन 32-34 तक में भी आ जाएगा, तो मैं शॉर्ट ही नहीं दे सकती हूँ। इस तरह से इसको पूरा का पूरा इसमें आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से पूरा फिनिशिंग बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि पेस्ट कर दिया है, पूरा अच्छी तरह से इसको क्या बोलते हैं इसको, नट बोलो या जो भी है, उससे स्क्रू से अच्छे से इसे टाइट किया हुआ है। तो ये बेल्ट है ये जो मैंने लुलुवेंस का ऐसे परचेज़ की थी, और बहुत ही ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में परचेज़ की, 350 या 400 के अराउंड परचेज़ की थी। क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत टाइम हो गया रखे हुए भी और यूज़ किए हुए, तो अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो सो ये बेल्ट भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट बेल्ट की बात करते हैं। अगेन ये भी मैंने लुलुवेंस का ऐसे ली थी, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ली थी, 350 के अराउंड। तो मुझे लगता है इस प्राइस में ये बहुत अच्छी बेल्ट है। अगर आपको मिलती है लुलुवेंस का, आप छोड़िएगा मत। आप देख रहे हैं पूरा मेटल का बकल है। ऐसा नहीं है कि कई बार आपने देखा होगा मेटल कोई भी होता है, लोहा या जो भी है, उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है और थोड़े टाइम बाद निकल जाता है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, निकला नहीं है मुझे, तो ऐसा कुछ शिकायत नहीं आई। इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दोनों साइड ये है, और इस तरह से बंद हो जाती है। बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद। आपने इंडियन साड़ी के साथ या वेस्टर्न ड्रेस के साथ या जिस अभी आउटफिट के साथ आप चाहते हैं पहनना पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। पास से इसका एक बार लुक दिखा देती हूँ इस तरह से, और पीछे इस तरह से बंद किया गया है, यहाँ पर लेदर है, और बाकी का पूरा इलास्टिक है। तो ये बेल्ट मैंने लुलुवेंस का ऐसे परचेज की थी, इसका भी लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेल्ट की। जो नेक्स्ट बेल्ट है वो भी मैंने दिवाह ब्रांड से लिए है, और अजियो से ही ली है, परचेज़ किया है, मेड इन इंडिया है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो मैं 200-250 के अराउंड मैंने ये बेल्ट ली थी, तो मुझे लगता है बहुत परफेक्ट बेल्ट है उस प्राइस के अकॉर्डिंग। पूरे पे आप देख रहे हो मोतियों का काम है, सीक्वेंस का काम है। अच्छा, यहाँ पे जैसे उसकी साइड्स बहुत परफेक्ट थी, बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छी, इसकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट दूर से पता नहीं चलता, तो ठीक है। साइड में देख रहे हैं आप इलास्टिक है यहाँ पे दो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेल्ट की। तो ये बेल्ट है ब्लू कलर में, आप देख रहे हैं। अगेन ये मैंने लुलुवेंस का ऐसे परचेज़ की थी, और ये तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में की थी, ये 120-130 रुपीज़ में परचेज़ की थी, तो बहुत ही अच्छी है। इसमें और भी कलर थे, तो मैंने दो कलर परचेज़ की थी, एक सी ग्रीन था, एक ये ब्लू कलर था।
तो अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी ठीक ठाक है, प्राइस के अकॉर्डिंग आप सोच ही रहे हैं, मतलब मुझे लगा ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, तो परफेक्ट है। प्राइस तो इसका बहुत ज़्यादा सारा दे रखा था, डिस्काउंट के बाद मुझे ये इतने में मिली थी। यहाँ पे ऊपर आगे देख रहे हैं इस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ है, बकल टाइप ऐसा डिज़ाइन है इसका, ये इलास्टिक है और यहाँ पे ऐसे लेदर टाइप कुछ दिया हुआ है आप देख रहे हैं, जो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है बट अच्छा ठीक है। ड्रेस के कलर का आपको अगर ऐसी कोई चीज़ बेल्ट मिले तो बिल्कुल परफेक्ट है। और आगे आप देख रहे हैं, अच्छा स्टिचिंग बहुत अच्छी खासी है, आप स्टिचिंग कर सकते हैं, पर ये भी ये सारे के सारे आई थिंक फ्री साइज़ से, मुझे आइडिया नहीं है, आप प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि बेल्ट्स को लिए हुए, और मैं भी चेक कर लूँगी, अगर साइज़ हुआ तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो ये बेल्ट है, इसका भी ज़्यादा साइज़ नहीं है, मिड साइज़ नहीं है, आई थिंक सब में साइज़ है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। कलर आप देख रहे हैं जैसा कलर आपको दिख रहा है वही ब्लू कलर है एग्जैक्ट, तो आप ये बेल्ट परचेज कर सकते हैं अगर लुलुएंस स्काई पे है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बेल्ट की, बहुत सारी बेल्टें हैं, आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही हो बेल्ट की, आप ये देख रहे हैं। ये बेल्ट मेरी सबसे फेवरेट बेल्ट है जो अभी तक मैंने पहनी नहीं है, पर मैं इसे किसी के साथ पहनना चाहती हूँ, किसी तो आउटफिट के साथ पहनना चाहती हूँ, चाहे मुझे इसके साथ के लिए आउटफिट लेना पड़े प्लेन, बट मुझे मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि ये बहुत प्यारी बेल्ट है, फिनिशिंग वाइज वर्क वाइज ओ माई गॉड, ऐसी बेल्ट आप कहीं पर भी देखेंगे ना आपको कम से कम 1000 रुपीज़ की मिलेगी, बहुत अच्छी। दिवाहा ब्रांड्स अगेन अजियो से मैंने परचेज़ किया था, मुझे पता नहीं क्यों शॉपिंग वाइज अजियो सबसे परफेक्ट लगता है, अजियो मिंत्रा, तो आप वहाँ से आराम से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड्स की नॉलेज है, आप थोड़ा सर्च करोगे यूट्यूब पे कि कैसा प्रोडक्ट है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं इसकी, आप इसमें देख रहे हैं स्टोन्स हैं, सीक्वेंस है, पर्ल्स मोती हैं, सॉरी, तो बहुत सारी चीज़ें जिनका इतनी अच्छी तरह से फिनिशिंग देखिए, बहुत अच्छी तरह से काम किया गया है, मुझे तो ये बेल्ट बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे पूरा स्ट्रेचेबल, यहाँ पे पूरा का इलास्टिक दिया गया है, तो आप उसे अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है इस तरह से टिश बटन, आप जो भी इसको बोलते हैं, हमारे साइड में टिश बटन बोलते हैं, तो वो है, इस तरह से आप इसे बंद कर सकते हैं। और ये बेल्ट देखिए बहुत सुंदर लगेगा अगर आपके पास प्लेन सिंपल साड़ी भी है ना इस तरह की, मुझे इस कलर की, ग्रे कलर की, इस तरह में इसी कपड़े में साड़ी चाहिए जिसके साथ मैं इसे पहन सकूँ, और इस तरह का मेरा ब्लाउज हो, गोल्डनिश की कॉपर बोलते हैं जो भी है इस कलर का, तो बहुत सुंदर लगेगा, मुझे तो चाहिए। सो ये थी मेरी बेल्ट, और ये जो मैंने परचेज़ की थी ये 350 के अराउंड परचेज़ की थी, बहुत अच्छी बेल्ट है, इसका तो मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, और मिले तो छोड़ना मत, स्टॉक में रहती नहीं अच्छी चीज़ें। तो अब आते हैं नेक्स्ट बेल्ट पे, जो मेरी नेक्स्ट बेल्ट है, ये तो बहुत फेमस बेल्ट है, आपको बहुत लोग, आपको इसके लोगों से ही समझ आ गया होगा, सब्यसाची बेल्ट। अगेन ये क्या बोलते हैं कि ओरिजिनल तो नहीं है, ऑफकोर्स ओरिजिनल बहुत कॉस्टली है, तो ये डुप्लीकेट है उसकी, फर्स्ट कॉपी है। ये मैंने परचेज़ किया था मीशो से, और ये जो मैंने परचेज़ किया था ये 450-550 के अराउंड परचेज़ किया था, इस कहाँ से मतलब किस सेलर से मैंने परचेज़ किया था उसका मैं कोड मेंशन कर दूँगी, आपको पता चल जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी क्वालिटी है, 2-3 बार मैं इसे पहन चुकी हूँ। और इस तरह से बैक साइड में ये दिया गया है, बकल पूरा दिया गया है, आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, हाँ इसमें साइज़ मेंशन किया गया है आपको 30-28 वेस्ट किसके अकॉर्डिंग लेना है, तो और इसमें भी अगर आप जैसे 30-28 ले सकते हैं तो आप 2-3 साइज़ अप भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ये जो दिया गया है, बट जो आपका सेम साइज़ है वही लीजिएगा वरना लूज़ होगा। मैंने क्या किया था, 28 वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 30 ले लिया था कि मे बी टाइट हो लूज़ हो, अब ये है तो थोड़ी सी लूज़ है, तो मैंने क्या किया पंचिंग उससे एक और जगह पंच कर इसमें करके देन अब मैं इसे पहन रही हूँ, तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग है, कोई कलर नहीं गया, कुछ नहीं गया, तो ये बेल्ट तो आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं, पहनी हुई इतनी स्टाइलिश लगती है ना, ये मैंने पहनी भी थी एक पार्टी में, मैं यहाँ पे फोटो साथ में पेस्ट कर दूँगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसी लगी है ये बेल्ट पहनने के बाद। अब आते हैं हम नेक्स्ट बेल्ट पे, ये बेल्ट मुझे सिंपल सोबर बहुत अच्छी लगती है, खैर सारी बेल्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट ये सबसे अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि आप ये किसी के साथ पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, सिंपल कुर्ता है आपके पास ब्लैक, आप उस पर पहन सकते हैं, ड्रेस बना सकते हैं, आपने जीन्स पहनी है उसके साथ पहन सकते हैं, बेल्ट पहनी है उसके साथ पहन सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आप पहन सकते हैं, जैसे आपने सिंपल कुर्ता पहना है, नीचे जीन्स प्लाजो जो भी पहना है उस पर आप ये बेल्ट भी लगा लेंगे, बहुत अच्छी लगेगी। अब इस बेल्ट की खासियत क्या है वो मैं बता, ये पूरा का पूरा इलास्टिक टाइप कपड़ा है, वो है जो भी ये है आप देख रहे हैं इस तरह से ना, ये थ्रेड है, इसे कुछ तो बोलते हैं, पॉलीथीन टाइप जो होता है वैसा है ये, और पूरा इलास्टिक है इस तरह से आप देख रहे हैं, पता चला आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसे। और आगे जो दिया गया है इस तरह से, इसका बकल आगे दिया गया है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसे टाइट लूज कर सकते हैं। और ये भी मैंने लुलू एंड स्काई से लिया था, बहुत सारी बेल्ट जो मैंने लुलू एंड स्काई से ली थी, बहुत ही अच्छी है इसकी क्वालिटी, बहुत अच्छी है, और इसे तो मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो ये तो परफेक्ट, आप इसे वॉश कर सकते हैं, ईजिली वॉश किया और सुखा दिया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं, ब्रश ब्रश कुछ मतलब, मुझे लगता है ऐसी एक बेल्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 250 इसका आई थिंक प्राइस था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे किसी का भी नहीं पता है, बहुत टाइम हो गया लिए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बेल्ट की ओर,
अच्छा इस तरह से मैं बोलती हूँ, एक जीन्स की टाइप की जो बेल्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, डेनिम बेल्ट जिसे बोलते हैं वो होनी चाहिए। तो ये बेल्ट है, आगे आप देख रहे हैं सबसे अच्छी, मतलब आई डोंट नो आपके पास ऐसी इस तरह से बेल्ट है या नहीं। आप देख रहे हैं इस तरह से इसका लॉक होता है, आपने किया लॉक और ये बेल्ट। अभी ये थोड़ी लूज़ हो गया है इसकी इलास्टिक, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया और अराउंड इसको 2 साल तो हो ही गया, 2-2.5 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके इसमें न्यू इलास्टिक डलवा सकती हूँ या डाल सकती हूँ, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से कोई स्टिच नहीं है, जस्ट आप इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं। तो ये बेल्ट है, आप देख रहे हो इसके ऊपर भी वर्क तो नहीं, मतलब प्रिंट है, बहुत अच्छा खासा प्रिंट है। तो आप ऐसी डेनिम ड्रेसेस के साथ या किसी के साथ भी आप ऐसी बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बेल्ट थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, 450 या 500 के अराउंड थी, पर मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मुझे लगा कि परफेक्ट है ये बेल्ट। ऐसी एक दो बेल्ट आपके पास होनी चाहिए। ये मैंने कोलकाता से लिया था, कोलकाता मॉल से परचेज़ किया था। अभी ब्रांड का मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड से मैंने ये लिया था, और इस पर आई थिंक मेंशन भी नहीं है, सो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे बेल्ट बहुत अच्छी लगी, तो आप ऐसी बेल्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेल्ट की ओर आते हैं। जो नेक्स्ट बेल्ट है वो मैंने अजियो से परचेज़ की थी, और ये बेल्ट भी मुझे बहुत स्टाइलिश लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ही ये भी बहुत कम प्राइस में मैंने ली थी, 250 के अराउंड में मैंने ये बेल्ट ली थी, और मुझे लगता है उस प्राइस में बहुत ही अच्छी बेल्ट है। पूरी बेल्ट आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से है, आगे भी देख रहे हैं इस पर भी इस तरह से बना हुआ है। अभी इसकी क्या खासियत बात है, आप इसे ड्रेस के साथ पहन रहे हैं, जीन्स के साथ पहन रहे हैं, तो ये इस तरह से कर सकते हैं, और आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा चेन को कर सकते हो, और आगे आपको बहुत सारे ये दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना जो साइज़ है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बेल्ट है, ब्राउन कलर की बेल्ट है, ये बेल्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैंने अजियो से परचेज़ की थी। अगर ये भी होगी स्टॉक में तो मैं आपके पास मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बेल्ट अगेन, ये लुडवेंस का आई से मैंने परचेज़ की थी। तो ये बेल्ट मुझे इसलिए अच्छी लगती है, बेल्ट ऑल्दो सारी की सारी सिंपल सी है, और स्किन कलर आप देख रहे हैं इस तरह से है। खास बात इसमें यह है, बकल देख रहे हैं, इसका बकल बहुत ही सुंदर है, बकल में इस तरह से पूरे स्टोन लगे हैं, सिल्वर स्टोन, और ऐसी बेल्टें बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी बेल्ट है, आगे आपके पास डिज़ाइन है, और ये कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये बेल्ट है, मैंने लुलू एंड स्काई से आपको जैसे कि बताया परचेज़ की थी, 300 की मैंने बेल्ट परचेज़ की थी, क्योंकि रिसेंटली परचेज़ किया तो मुझे इसका प्राइस पता है। तो ये बेल्ट है, बाकी सिंपल बेल्ट है, सिर्फ इसका बकल है, और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, मेटल है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल है जिस पर ये लगाए गए हैं इस तरह से स्टोन। अब जो लास्ट बेल्ट है वो ये बेल्ट है, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, ये भी आई थिंक रोमवे या शीन से है, पर ये बेल्ट मुझे, हाँ इस पर शीन की ये बेल्ट है, और इसे भी बहुत टाइम हो गया है, ये बेल्ट मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, गिफ्ट की थी, सो ये बेल्ट भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये बेल्ट भी मैंने आज तक यूज़ नहीं की है, जब से उसने दी है मैंने यूज़ ही नहीं की है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने अपने विशलिस्ट में ऐड की थी, सो उसने मुझे गिफ्ट कर दी, तो बहुत अब मैं सोच रही हूँ किसी चीज़ के साथ इसे यूज़ करूँगी। आप देख रहे हैं ये जो इसका बकल है, पूरा मेटल का बकल है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेदर टाइप कुछ लगा हुआ है, और आगे जो ये है ये लेस लगाई गई है, पीछे आप देख रहे हैं रबर दी गई है, इलास्टिक दी गई है, इस तरह से थोड़ी सी इलास्टिक है, एंड यहाँ पर आप इसे इस तरह से पहन सकते हैं ये बेल्ट को। तो ये थी लास्ट बेल्ट जो मैंने परचेज़ की थी, ये थी सारी की सारी डिज़ाइनर बेल्ट जो आप पार्टी वेयर ड्रेस या मतलब ऐसी स्टाइल करना चाहते हो, किसी भी ड्रेस को यूनिक बनाना चाहते हो तो आप इन बेल्ट का यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी बेल्ट हैं जो सिंपल आप जीन्स के साथ ले सकते हो, उसका अगेन मैं पार्ट टू बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।